मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जहां बिना काम किए ही 244 करोड़ रुपए की राशि ठेकेदार को दे दी गई। दरअसल सिंगरौली में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार में साल 2018 से लेकर 2020 के बीच एक डैम वाटर चैनल बनाने के लिए सरकार ने कंपनियों को 244 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान किया था। इधर प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। प्रदेश में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, लेकिन डैम का निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार कमलनाथ की सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को डैम बनाने के लिए साल 2019 में ठेका दिया था। सरकार ने कंपनी को इसी साल 244 करोड़ रुपए दे दिए थे। डैम बनाने की डेडलाइन 28 मार्च 2024 रखी गई, लेकिन बीते 5 साल में यहां पर एक पाइप तक नहीं बिछाया गया। डैम का निर्माण कार्य आज तक नहीं शुरू हो पाया। गौंड बृहद सिंचाई परियोजना के संबंध में स्थानीय बीजेपी विधायक मेशराम ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। विधानसभा में विधायक की तरफ से इस परियोजना की प्रगति के बारे में सवाल किया गया, लेकिन उनके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। विधानसभा में भले ही उनके सवालों के जवाब ना मिले हों, लेकिन विधायक का दावा है कि प्रदेश के मौजूदा सरकार ने मंजूरी दे दी है। पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी मांगी जा रही है। विधायक के अनुसार साल 2019 में कमलनाथ की सरकार में एक कंपनी को एडवांस रुपए दे दिए गए थे, कंपनी ने कुछ काम नहीं किया। इधर कांग्रेस की सरकार जाने के बाद डैम का निर्माण भी शुरू नहीं हो पाया, हालांकि अब मौजूदा सरकार ने डैम निर्माण को लेकर अपनी मंजूरी दी है। जालपानी गोल परियोजना कि मेरे 2013 से 18 के कालखंड में वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसको हमने तत्कालीन एसओसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन किया। उन्होंने सहर्षता के साथ अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उस परियोजना को सेंक्शन किया, और वो परियोजना सेंक्शन हुई। सारे इन्वायरमेंट से, सारे फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिला और ज़मीन पे उतरी। कालांतर में कांग्रेस की सरकार आई 1.5 साल के लिए, बगैर काम के 243 करोड़ रुपए निकाल लिया, बगैर काम के सीधे निकाल लिए। जब जानकारियां मिली, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सम्माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, उनके संज्ञान में हमने दिया, और उन्होंने संबंधित ठेकेदार मोंटेना पर बड़ी कार्रवाई की, उस वक्त के पीएस के ऊपर भी कार्रवाई की। और जैसे ही इस बार पार्टी ने मुझे पुनः टिकट दिया और मैं जनता का सेवक बना, सबसे पहला काम मैंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को, जो शून्यता पे खड़ा था, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में दिया। उन्होंने बड़े गंभीरतापूर्वक सुना और बड़ी संवेदनशीलता के साथ अपने पीएस को और परियोजना के ईएनसी को बुलवा के मीटिंग लिया, और उसकी तीव्रता बढ़ गई है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये परियोजना बारिश के बाद 3 से 4 महीने के बाद में ज़मीन पे आएगी, जो देवसर विधानसभा के 132 गांवों को सिंचित करेगी। टोटल 72% एरिया सिंचित होगा और 28% एरिया मेरी पड़ोसी विधानसभा धौनी को भी सिंचित होगी। जो पैसे निकाल लिए गए हैं, जो पैसे बंदरवाट हो गया उस पैसे का, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी और उसका भरपाई कैसे कर रहे हैं? अब वो उसके लिए तो उस वक्त अब वो जांच का विषय है। ये मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाऊंगा, मेरे ख्याल से उनके संज्ञान में है भी जी, और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल विधायक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस परियोजना का काम वापस से शुरू होगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। सिंगरौली से नवीन शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।